नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आपको बता दें कि 5 अगस्त के सुबह 9 बजे से या दोस्तों यह समय से आपके जीवन काल में बड़े अनोखे बदलाव होने वाले हैं। या दोस्तों यह बदलाव आपके जीवन में उन सभी सच्चाई को खोलने वाले हैं जिन्हें जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। या दोस्तों आपको बता दें कि यह समय ग्रहों की भी बहुत ही दुर्लभ संयोग बनेंगे, क्योंकि दोस्तों शुक्रवार का दिन है। ऐसे में तो आपके जीवन काल में चमत्कार तो होंगे, खुशखबरियां तो आपको मिलेंगी। जिया दोस्तों शुक्रवार का दिन मां लक्ष्मी का दिन है और ज्योतिष शास्त्र में शुक्रवार के दिन में मां लक्ष्मी अपने भक्तों के जीवन काल में बहुत सारे से बदलाव करते हैं जिनसे उन्हें लाभ और खुशहाली का मुंह भी देखने को मिलते हैं। जिया दोस्तों यश में आपके कर्मों का फल भी आपको मिलेगा, आपके रुके कार्यों में गति मिलेगी, थोड़ी सी सावधानियां भी रखनी होंगी। जय दोस्तों तो आज का यह वीडियो अगर आप मिस नहीं करेंगे, अगर वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख लेंगे तो दोस्तों आपको बता दें कि आज की बात का आपका जो समय होगा बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। आने वाला समय आपके लिए बहुत ही खुशहाली भरा दिन होने वाले हैं। इनमें आप सभी महत्वपूर्ण जानकारी को जानेंगे कि यश मंत्राल में जो ग्रहों की स्थिति होगी, इनके साथ आपको किन क्षेत्रों को लेकर सावधान रहने होंगे, कौन से कार्य आपके लिए भाग्यशाली होंगे और किन किन क्षेत्रों में कार्य करने से आपको लाभ की प्राप्ति होगी, मां लक्ष्मी के आशीर्वाद से आपको कौन से शुभ संकेत मिलेंगे, घर के माहौल में पारिवारिक जीवन में क्या क्या चमत्कार होंगे, तो दोस्तों अंत तक देखिएगा। उससे पहले दोस्तों जो भी भक्त वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय मां लक्ष्मी लिखिएगा, गुरु जी का और मां लक्ष्मी का सीधा आशीर्वाद प्राप्त करिएगा, तो मित्रों जरूर लिखिएगा। और यदि आप चैनल पर भी नए हैं तो दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर लें। तो आए दोस्तों वीडियो को प्रारंभ करते हैं। दोस्तों ये जो समय होंगे आपके लिए सोच विचार और आत्मनिरीक्षण करने का समय होगा। आपको बता दें कि यह समय अचानक ही कोई असंभव कार्य भी संभव हो सकता है। आप अपनी कुशलता और समझदारी द्वारा सुखद परिणाम भी प्राप्त करने में समय सक्षम रहेंगे। फोन द्वारा भी कोई महत्वपूर्ण जानकारी इसमें आपको प्राप्त हो सकती है। इसके साथ ही दोस्तों यह समय अगर आपकी सावधानी को लेकर बात करें तो दोस्तों ध्यान रखें कि अहम और अति आत्मविश्वास आप पर हावी ना रहे। घर में भी भाइयों के साथ किसी प्रकार का वाद विवाद संभव है, परंतु आप अपनी समझदारी व फिर अपने व्यवहार कुशलता द्वारा उसे निपटाने में भी जो है सक्षम अवश्य रहेंगे। इसके साथ दोस्तों यह समय आपके लिए समय होंगे। आपको बता दें कि दोस्तों दिन की शुरुआत में ही किसी अटके हुए काम के बारे में प्रगति वाली खबर मिलेगी, जिसकी वजह से आप पर बना तनाव भी इसमें कम रहेगा। लेकिन दोस्तों खुद को तनाव मुक्त रखने के लिए विचारों में बदलाव लाने की अति आवश्यकता होगी। खुद पर विश्वास रखें, बातें अभी आपके पक्ष में ही होंगी, लेकिन जरूरत से अधिक वक्त लगने की वजह से मन में चंचलता भी बढ़ सकती है। और इसके उपरांत दोस्तों ये समय आपके लिए समय होंगे। आपको बता दें कि दोस्तों ये जो समय होंगे आपके लिए उत्तम समय भी होगा। स्थान परिवर्तन की कोई योजना कार्य रूप में परिणित हो सकती है। दोस्तों आय के नए स्रोत इसमें बनने वाले हैं तथा आर्थिक स्थिति भी इसमें आपकी बेहतर होगी। आपको बता दें कि किसी नजदीकी मित्र की सलाह आपको कई परेशानियों से राहत दिलवाने वाली है, तो दोस्तों इसमें मित्रों की आप सलाह पर विश्वास कर सकते हैं। इसके उपरांत किसी महत्वपूर्ण कार्य में पारिवारिक वरिष्ठ सदस्य की सहमति अवश्य लें। ध्यान रखिए कि कोई भी अनुचित कार्य आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है, साथ ही अपमानजनक स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। और इसके साथ दोस्तों यह समय आपके लिए समय होंगे। दोस्तों आपको बता दें कि आपका मनमौजी स्वभाव दूसरों के लिए तकलीफदायक हो सकता है। नए मित्रों के साथ परिचय बढ़ाने की आवश्यकता होगी, जिसके द्वारा आपका निजी भविष्य में फायदा भी हो सकता है। व्यापार में संबंधित बातों को रिस्क लेने से पहले अपनी क्षमता को परखना आपके लिए आवश्यक होगा। और इसके उपरांत दोस्तों यह समय आपके लिए समय होंगे। आपको बता दें कि दोस्तों परिस्थितियां अनुकूल है, समय की कीमत और महत्व का आज इसमें आपको सम्मान करना चाहिए। आपको बता दें कि यश में आपको कोई अवश्य नई उपलब्धि हासिल होगी। भूमि जायदाद से संबंधित कोई भी अहम काम भी यश में संपन्न हो सकता है। आध्यात्मिक कार्यों में भी आपकी यश में रुचि रहने वाली है। इसके साथ दोस्तों ये जो समय होंगे आपके लिए किसी प्रकार की यात्रा करने से बचें, क्योंकि दोस्तों इनसे कोई भी लाभ होने की संभावना उतना नहीं है जितना आप सोच रहे हैं। किसी भी कार्य में इसमें करने से पहले उन पर सोच विचार कर लें। व्यक्तिगत लाइफ में हस्तक्षेप किसी के ना करें, अन्यथा बिन बात के कुछ रिश्ते में खटास हो सकते हैं। इस पर आपको इसमें ध्यान देने की आवश्यकता होगी।
और इसके उपरांत दोस्तों ये समय आपके लिए समय होगी। आपको बता दें कि महत्वपूर्ण काम आपके पूरे होने के कारण थोड़ी राहत भी आपको महसूस होंगी। आगे के काम की योजनाएं बनाते समय आपको मन को शांत रखने की आवश्यकता होगी। आपको बता दें कि भविष्यकाल से जुड़ी बातों की अधिक चिंता करने से वर्तमान में हो रही सकारात्मक बातों की तरफ से आप अपने ध्यान को नहीं दे पाएंगे। आपको बता दें कि मिल रही परिस्थिति का पूरा आनंद लेने की यश में आप कोशिश करें, क्योंकि यह परिस्थिति आपके भविष्य के लिए बहुत बड़ा उपलब्धि साबित होगा। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए सुनोगे। आपको बता दें कि दोस्तों अपनी कार्य क्षमता पर विश्वास करना आपको अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल बनाएगा। संपत्ति के बंटवारे संबंधी कोई कार्य भी यश में किसी की मदद से हल हो सकता है। संतान के करियर और शिक्षा संबंधी किसी चिंता का समाधान आपको राहत देगा। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए सुनोगे। आपको बता दें कि भावुकता और उदारता में लिए गए निर्णय नुकसानदेह रहेंगे, इसलिए अपनी इस कमजोरी पर विजय हासिल करना यश में आपके लिए जरूरी होगा। अत्यधिक गुस्सा आपके लिए आपके स्वास्थ्य और कार्यों का हानि कर सकता है, तो धैर्य बनाकर रखें, ये आपके लिए यश में अति आवश्यक होंगे। पैसे के मामले में किसी के द्वारा आपको फंसाने का डर भी सता सकता है। पैसे से जुड़े डर को अधिक महत्व न देते हुए ठीक से व्यवहार करने पर अधिक ध्यान देने की यश में आपको आवश्यकता होगी। आपके नरम स्वभाव का कोई गलत फायदा भी यश में उठा सकता है, इसलिए दोस्तों ये जो समय होंगे आपके लिए खुद के लिए सही वक्त पर खड़ा होना आपको यश में सीखना होगा। व्यापार में नई पार्टियों तथा नए लोगों के साथ व्यवहार करते समय सावधानी बरतें, क्योंकि दोस्तों ये जो समय होंगे आपके लिए धोखाधड़ी होने की आशंका लग रही है, इसलिए यश में आपको सावधान रहने की आवश्यकता होगी। किसी को भी पैसा उधार ना दें और ना ही कहीं पर यश में निवेश करें, क्योंकि दोस्तों ये आपके लिए नुकसानदेह हो सकते हैं। तो दोस्तों इन सब चीज़ों से इसमें आपको बचना होगा, ये आपके व्यापार के लिए इसमें बेहतर होगी। कि सरकारी सेवारत व्यक्तियों के लिए भी प्रमोशन के योग बन रहे हैं। बिजनेस में नए अनुबंध और ऑर्डर मिलेंगे जो कि भविष्य में फायदेमंद साबित होंगे। इस समय होंगे आपके लिए अपने काम की क्वालिटी पर आपको अधिक ध्यान देने की आवश्यकता होगी। पति पत्नी के बीच आपसी सामंजस्य बना रहेगा तथा परिवार के साथ कोई मनोरंजन या फिर गेट टुगेदर संबंधी योजना भी बन सकती है। और इसके उपरांत दोस्तों ये समय आपके लव लाइफ के लिए समय होंगे, आपके पारिवारिक जीवन के लिए जो समय होंगे। आपको बता दें कि व्यवसाय के परेशानियों को अपने पारिवारिक जीवन पर हावी न होने दें। युवाओं की दोस्ती प्रेम संबंधों में यश में तब्दील हो सकती है, जो कि आपके लव लाइफ के लिए काफ़ी बेहतर होंगे। दोस्तों शारीरिक कमजोरी और फिर थकान आपको महसूस होगी। बदलते मौसम से अपना बचाव अवश्य करें। दोस्तों ये आपके स्वास्थ्य के लिए यश में बेहतर होंगे कि अंत में आपका स्वास्थ्य ठीक होगा। महिलाओं अपने स्वास्थ्य के प्रति ज़्यादा जागरूक रहें, ये आपके स्वास्थ्य के लिए इसमें बेहतर होंगे, क्योंकि दोस्तों यश में नजला जुकाम जैसे स्वास्थ्य संबंधी शिकायत रहेगी। आयुर्वेदिक चीज़ों का सेवन करना आपके स्वास्थ्य के लिए बेहतर होगा।